गंभीर हो चुकी है, सब लोग अपने घर परिवार छोड़कर दाल रोटी से सब लोग परेशान हैं। और कंपनी ऐसा झटका दे के अगर हमें जा रही है तो हम क्या करेंगे सर? कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि आप सब लोग बाहर हो। मैनेजमेंट होश में हो, होश में हो, होश में हो, क्या हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कर्मचारियों का आक्रोश इस पर हाल है। वजह है कि कोका कोला ने डासना, वाराणसी और जम्मू कश्मीर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फ्रेंचाइजों के हाथ बेचने का फैसला कर दिया है। इसके बाद हजारों कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है और जब बात रोजी रोटी की आ जाए तो विरोध तो लाजमी है। कर्मचारियों का यह जोश इसलिए भी जायज है क्योंकि सेल्फ यूनिट के हजारों कर्मचारियों को 3 जनवरी तक का नोटिस दे दिया गया है, यानी कि 3 जनवरी तक कोका कोला के कर्मचारियों का यह आखिरी दिन होगा। ऐसे में अब कर्मचारी बगावत पर उतर आए हैं। न्यूज वन इंडिया इन कर्मचारियों के बीच पहुंचा, तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने कर्मचारियों का दर्द साझा किया। उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोको कोला, जिसको पीने के बाद एक ठंडक की एहसास होता है, या फिर कहते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इस कोक को बनाने वाले कर्मचारियों की तासीर आज बेहद गर्म है। वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सवाल ये है कि सालों से इन फैक्ट्रियों में, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले ये हजारों की तादाद में कर्मचारी आज अपने भविष्य को लेकर सशंकित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब बस इनकी नौकरी चंद दिनों की बात है। दरअसल इस पूरे प्रबंधन ने फैसला किया है कि ये जो कंपनियां हैं, यहां पर जो काम करने वाले कर्मचारियां हैं, इन सबको फ्रेंचाइजी यूनिट में कन्वर्ट करने की तैयारी की जा रही है, और इसी को लेकर डासना में लगातार विरोध जारी है। यहां पर आप देखिए, पहले आपको मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं ये पूरी। यहां पर ये जो कर्मचारी हैं, ये बाकायदा ये कर्मचारी पूरी तरीके से यहां पर इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांगे हैं कि सालों से हम यहां पर काम करते चले आ रहे हैं, अपना परिवार चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमें बगैर बताए हुए इसे फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने की तैयारी हो रही है। इसीलिए ये सारे कर्मचारी यहां पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग जो है काम छोड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? हम लोग पिछले कई सालों से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, 99 से आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सडनली आके ये बोला जाता है कि आप यहाँ पे कल से इस महीने के अंदर से फ्रेंचाइजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप और आपको केवल 2 साल का पीरियड मिलेगा, जो 2 साल का पीरियड मिलेगा जिसके अंदर आप ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद से अभी हमारी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है। जिन लोगों ने अपने 20 साल यहाँ पे करियर यहाँ पे डाल दिया है, उसकी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है, और उनके लाइबिलिटीज हैं, उनके बच्चे हैं, तो सारे लोगों का यही रोष है कि हमारे साथ उचित न्याय हो और अच्छा काम। उचित न्याय है, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब एक प्रक्रिया, कंपनी प्रबंधन का अपना फैसला हो सकता है, कंपनी प्रबंधन अपने तरीके से फैसले लेती है, लेकिन क्या कर्मचारियों को जानकारी दिए बगैर या विश्वास में लिए बगैर ये फैसला लिया गया? नहीं, किसी कर्मचारी या किसी स्टाफ जो अपना है, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। अकस्मात ही बोला गया है, एकदम आके बोल दिया गया है जी ये हमने बेच दिया है लाला को, और जल्दी तुम उनके अंडर में हो जाओगे। बट सभी कर्मचारी ने बोल दिया हम उसके अंडर में नहीं जाएंगे, हम कोकोला के कर्मचारी हैं, हम कोकोला में ही रहेंगे। तो आप लोगों को ये बताया गया कि अगर प्राइवेट फ्रेंचाइजी को दिया जा रहा है ये, तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी को देने के बाद कर्मचारियों को क्या होगा, इसको लेकर कुछ बताया गया है? इसको लेकर ये बताया गया कि हम जो है आपको इंडिविजुअल उसमें जो कन्वर्ट करेंगे, हर एक आदमी को लेटर देंगे, लेकिन इस चीज के लिए बोटलिंग में जाने से जो है सभी ने मना कर दिया। क्यों? हाँ, आप लोगों को डर क्या है, किस बात का अंदेशा है? क्योंकि जो लाला के उसमें जो कोई भविष्य नहीं है, और हम जो है हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी के एम्प्लॉयज हैं सन 1999 से, और पीछे से भी वर्कर यहाँ आए हैं, और हम जो है हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी में ही अपनी नौकरी करेंगे, ना कि बोटलर में जाएंगे। और हमने ये जो है मैनेजमेंट से अब से 4 दिन पहले भी पूछा गया था पत्र के माध्यम से,
और मैनेजमेंट ने जो बुला के ये कहा कि ये सब अफवाह है। अगस्त में जो न्यूज लिख ली थी उसमें जो मैनेजमेंट ने बोला कि उसमें जो कोका कोला ने नीचे जो है लाइन लिखी है इसका खंडन किया है कि ये सब अफवाह है, अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। लेकिन कल उच्च अधिकारी कोका कोला, हिंदुस्तान कोका कोला के अधिकारी यहाँ कारखाने में आए 1 बजे और 1:30 बजे उन्होंने वार्ता की, पहले स्टाफ से की फिर जो श्रीमुखों से की। उसके करने के बाद हमने यही बोला उनसे कि हम जो है हिंदुस्तान कोका कोला के एम्प्लाइज हैं और हम स्वीकार किया कि हाँ वो फ्रेंचाइजी को सेल आउट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है अगले महीने से जो हम कोका कोला को जो है बोटलर को दे रहे मून बेवरेज वगैरह को, लेकिन इस चीज के लिए जो सभी सिमरकों ने मना कर दिया कि हम बोटलर के पास नहीं जाएंगे। और आप लोग को बोटलर के पास जाने में दिक्कत क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बोटलर के पास जाने में सबसे बड़ी बात है असुरक्षा की भावना। जो लोग पिछले 25 सालों से, हम लोग 98 से कोका कोला में ट्रांसफर हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 22 साल इस कंपनी को दिए, मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे कि आज किसी ने 5,000 से स्टार्ट करके 50,000 पे है, कोई 60,000 पे है या कोई 20,000 पे है, या कोई अपना भविष्य बनाने के लिए कोका कोला में आया है कि एक ब्रांड नेम है, वर्ल्ड में एक नेम है कि हम कोका कोला में सर्विस करेंगे, अपनी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन पीरियड उन्होंने कोका कोला के नाम कर दी। ऑल ऑफ सडन हमसे आके कहा जाता है कि भाई आप जो है एक प्राइवेट कंसर्न में जा रहे हैं जहाँ पे केवल आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है 2 साल का, जिसमें भी ये एक श्योरिटी नहीं है कि 6 महीने बाद आप वहाँ पे टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। फ्रेंचाइजी तय करेगी कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। यस, दैट इज वो कोका कोला का डिसीजन नहीं है। हमारा मानना ये है, हमारा ये कहना है कि हमने ज्वाइन किया कोका कोला में, हम एम्प्लॉई हैं SCCB के। अगर हमारे भविष्य के बारे में कोई फैसला करेगी, फाइनल डिसीजन हम SCCB से लेके जाएंगे। हम लोग प्राइवेट कंसर्न मून में जाने के लिए कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो संशय है वो इस बात को लेकर, कुछ कर्मचारियों के पास भी चलते हैं, सबसे बड़ा जो संशय है, बाबूजी एक चीज बताइए, कितने साल से आप इस कोला कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं 1983 से नौकरी कर रहा हूँ जी। इसमें 83 से? जी हाँ। यहाँ का प्लांट 99 में लगा, हमसे पहले कूलर बेवरेज में थे। ठीक है, कूलर बेवरेज। और उसके बाद जो है आप इस पर आए, आपने एक तरह से जिंदगी के एक बड़ा हिस्सा आपने यहाँ पर जो है 26 साल आपने यहाँ बिता दिया, जो है 35 साल आपने बिता दिया यहाँ पर। अब आपको कहा जा रहा है कि आप फ्रेंचाइजी के उसमें चले जाइए, तैयार हैं आप लोग? जी नहीं। क्या डर है आपको? हमारी सुरक्षा नहीं है जी, बोटलरों के उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता लाला की, उसमें तो सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, बंदा मरे या जिए उसमें कोई इसका वो नहीं होता। तो आप लोगों ने बात किया, कोई तर्क तो दिया होगा इन्होंने कि क्या क्या वजह है, क्यों जो है हम इसको फ्रेंचाइजी कन्वर्ट कर रहे हैं? इन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, ऐसा कोई नहीं बताया जी। नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर फ्रेंचाइजी में क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंचाइजी में जाने से दिक्कत क्या है? आप लोग एक चीज बताइए, आप लोगों ने, नहीं आप रोइए मत, जो है मतलब क्या लगता है भविष्य को लेकर के किस तरह की अनिश्चितता दिखाई दे रही है? भविष्य पता नहीं अब कैसा होगा हमारा, इतनी से छोटी सी बच्ची है मेरी, मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, अब हमारा क्या होगा, हमें ये इसी बात की चिंता है। तो प्रबंधन हमें कोई मतलब उचित आश्वासन नहीं दे रहा है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है कुछ भी। उसने आके बस ये कह दिया हमसे कि आप लोग जो है अब लाला के अंडर काम करना, 6 महीने के लिए आपको उसके अंडर दे दिया जाएगा, उसके बाद उसकी जाने वो निकाले या कुछ भी करे हमारे साथ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें हमने उनसे 60 साल के लिए लेटर लिया है, किस चीज के लिए लिया है, किस चीज के लिए हम परमानेंट होते हैं? ऐसे तो कोई भी कहीं भी काम करेगा, कोई ठेला ही लगाएगा, कुछ भी करेगा, ऐसे हम कहाँ जाएंगे? हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? अब बस यही है, कानूनी तरीके से जो होगा हमसे हम वो करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के माध्यम से हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे, जो कुछ भी हमें वो देंगे या हमें जो कुछ भी आश्वासन देंगे उस पर हम कायम रहेंगे। हम क्या करेंगे और क्या करें? आप हालात देखिए, मतलब ये यहाँ के कर्मचारी हैं,
जिनकी आंखों में वो आंसू ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उनका भविष्य जो है, किस तरीके से वो अनिश्चितता के पूरे जो है साये में जी रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कल उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, किस तरीके से उनके परिवार चलेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आय के मुताबिक अपना ताना बाना बुनता है। एक चीज ये बताओ, आप लोग जब यहाँ पर जॉब में आए थे तो परिवार की डिपेंडेंसी भी आप पर बनी होगी जो है, अब जिस तरीके से इनसिक्योरिटी बन रही है, तो उस तरीके से क्या स्थिति है पूरी, किस तरह की मनोदशा है? सर मन तो घर में बहुत बुरा मातम बन चुका है, घर में कुछ भी खाने को भी नहीं है, बहुत से कैरम होम लोन ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, घर में कुछ भी स्थिति बिगड़ चुकी है। हम लोग कहाँ रहेंगे, रोड पर चले जाएंगे, बनने की स्थिति आ चुकी है। मैं कल से जब से पता लगा है कि प्लान में हंगामा हो रहा है, जब से घर में रोटी नहीं बनी है। हमें जो लेटर दिया गया है कोको कोला की तरफ से दिया गया है, शुरू में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी कि आप कोको कोला के अंडर में रहेंगे, अब हमको लाला के अंडर में फेंका जा रहा है, वो हमारे साथ क्या करेगा ये सिचुएशन सारी। जो कारण मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, मैनेजमेंट भी कुछ नहीं बता रहा सही, वो यहाँ से सब लोग जा चुके हैं, कुछ भी स्थिति बिल्कुल गंभीर हो चुकी है, सब लोग अपने घर परिवार छोड़कर दाल रोटी से सब लोग परेशान हैं। हम लोग क्या करेंगे, कोई आश्वासन नहीं है हमारे पास, कुछ आगे जरिया नहीं है, हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। हमने एक ही, हम लोगों की एक ही सोच है कि हमें 60 साल की नौकरी दे या 60 साल का पैसा दे, हमें कुछ नहीं है, हमें क्या करेंगे आगे चल के। कुछ स्थिति ऐसी बन चुकी है, किसी की 50 साल एज है, किसी की 40 साल एज है, कौन रखेगा उसे, कहाँ रहेंगे, क्या अपने बच्चों का पालन करेंगे सब लोग, ये बताइए सर। क्या आप लोगों ने इसी यही सोच करके जो है, मतलब आप लोगों को कभी इल्म था कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कम से कम जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से तो जो है आप लोगों को लगता रहा कम से कम यहाँ जॉब सिक्योरिटी है। कोका कोला कंपनी बड़े होने के नाते यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन अगर ऐसी कंपनी भी किसी दूसरे के अंडर में चली जाएगी तो फिर क्या होगा कर्मचारियों का, यहाँ के कर्मचारी क्या करेंगे, इस बात को सोचना चाहिए मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट बिक चुका है यहाँ पे, ऊपर लेवल के अधिकारी बिक चुके हैं यहाँ पे। तो क्या घाटे में चल रही कंपनी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्या कंपनी घाटे में चल रही है? सर कंपनी कोई भी घाटे में नहीं चल रही। कल जैसी हमें न्यूज मिली, मेरी मदर को मैंने अगर ये बात बताई तो मेरी मदर कल से आईसीयू में पड़ी है, मेरी मदर कल शाम से। तो मैनेजमेंट से मैंने कोशिश करी, अपने जो मैनेजमेंट से उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट अभी तक करी है, लेकिन अब आगे नौकरी का मेरा भरोसा नहीं है सर। कल मेरी मदर आईसीयू में कल से पड़ी है सर, मैं सर क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैंने सब कुछ कर रखा है सर, इसी तनख्वाह से कर रखा है सर, मैं क्या करूँगा सर जी, मेरे को आप बताओ सर। और कंपनी ऐसा झटका दे के अगर हमें जा रही है तो हम क्या करेंगे सर जी। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है सर, 20 साल हो गए सर हमें यहाँ नौकरी करते सर, लेकिन दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर में हमें डालेंगे तो सर उस लाला का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमें निकाल के फेंक देगा, वो हमारे गारंटी नहीं ले रहा सर, वो ऑलरेडी पहले ही कह रहा है मैनेजमेंट। कहीं आप लोगों ने इससे ऊपर कोई स्टेज होगा प्रबंधन से ऊपर, या कहीं आप लोग दूसरी जगह कोई अपील नहीं कर रहे, कोई आप लोग सवाल नहीं उठा रहे? सर कल से एक भी अधिकारी, अभी भी एचआर में कोई नहीं है जो हमें संज्ञान दे सके कि क्या उन्होंने वार्ता करी है, क्योंकि आगे मीटिंग हो रही है उनकी, क्या हो रही है, कुछ हो रही है, हमारे को कुछ नहीं पता। ये सब जो खड़े हैं ये सब ऐसे ही खड़े हैं, खाली अपने दम पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोई भी अधिकारी अभी आपके एचआर में नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन चल रहा है? प्रोडक्शन हमने बिल्कुल बंद कर रखा है अभी, कंपनी ने ही खुद बंद कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि प्रोडक्शन बंद हो, लेकिन ये कंपनी ने बंद किया। कल रात को ही सारा प्लांट बंद करा दिया गया, मैनेजमेंट के द्वारा ही शट डाउन कर दिया गया, और सवेरे सबको संज्ञान हुआ कि आज ये प्लांट बिक चुका है। प्लांट बंद कर दिया गया, कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया गया, और कर्मचारी पूरी तरीके से अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि आखिर उनका भविष्य क्या होने जा रहा है, किस तरीके से वो पूरी स्थितियां बनेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपनी घाटे में होती है तो वो अपना घाटे से उभरने के लिए दूसरी चीजें देखती है। क्या ये घाटे में चल रही थी? यही मालूम हमें करना था मैनेजमेंट से कि ऐसी हमारी जो कंपनी है कौन सी घाटे में चल रही थी। हमारी कंपनी ग्रोथ में चल रही थी, ग्रोथ में होने के बाद भी हमारा ऐसा दिवालिया कर दिया कि हम 23 साल मुझे हैं इस कंपनी में काम करते हुए, कंपनी ये नहीं बता पा रही पॉलिसी, कंपनी ये पॉलिसी नहीं बता पा रही कि प्लांट वालों के साथ में क्या दिक्कत आ रही, सेल्स वालों के साथ में क्या दिक्कत आ रही। आज हम सुबह से भूखे खड़े हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ देहरादून सारा सेल्स स्टाफ दिल्ली का सारा यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी कंपनी का मैनेजमेंट कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते। आज पूरा स्टाफ सारा सेल्स का स्टाफ सहारनपुर से हम 5 बजे के चले गए हैं, उसके बाद भी हमें कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। बार बार फ़ोन कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई यहाँ प्लांट में आया है। हमने तो अपना देखा, अपने और सारे भाइयों को देखा, सारे हमारे साथ खड़े हैं आज, लेकिन हमें ये बताओ मार्केट वाला जो हमारे मार्केट वो है
एमजीआर जो है हमारे हैं, जो हमारे नीचे कुलीग हैं, जूनियर हैं, वो सारे एमजीआर, उन्हें सिर्फ मात्र एक महीने का नोटिस दे दिया गया। क्या नोटिस, नोटिस आप लोगों को क्या दिया गया है जी? एक जी, ये नोटिस में क्या लिखा हुआ था? सर, नोटिस में, नोटिस में मिला हुआ है कि हमें मतलब कि एक महीने का नोटिस मिला हुआ है। और कहते हैं हमें कल तक ये छठे महीने का था, आज 30 दिन का रह गया। ये नोटिस पीरियड 30 डेज। सर एक्चुअली हमारे पास 2020 तक का था, कल रात के बाद चेंज कर दिया गया है। रात के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है 3/1/2020 तक ही हम इसमें शामिल हैं। केवल 3/1/2020 तक। हम आखिरी महीना है, हम लोग ऑफ रोल है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने कितना मतलब कर रखा होगा, क्या सोच रखा होगा, कुछ नहीं हमारे समझ में आ रहा है। मेरे को 9 साल से ऊपर हो चुके हैं। आप किस में थे? सेल्स में थे? सेल्स में मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फरनगर से अपने साथियों के साथ आया हूँ। हम लोगों का भविष्य है क्या? सेल्स में कहाँ कहाँ की यूनिट को बंद करने का या फिर जो है फ्रेंचाइजी कन्वर्ट? सब लोगों को लाला के अंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है। लाला हम लोगों को नहीं ले रहा है। लाला ने हमारी कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि आप सब लोग बाहर हो। रात तक हमें 2020 तक का हमने स्क्रीनशॉट इसीलिए ले लिया था कि ताकि दिखा सकूं। आज हमारे पास 3/1/2020 तक का ही समय है। तो आप भी सेल्स से? जी मैं सेल्स में एमजीआर हूं। कितने साल से आप? पिछले 3 साल से मैं वर्क कर रहा हूं। जी एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई भी सफिशिएंट जवाब नहीं दे पा रहा है। और हम ही वो लोग एमजीआर जो यहाँ पे प्लांट में जो माल बनता है, लास्ट चेन हम ही है, वो कड़ी जो दुकान तक माल पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारा डिलीवरी मैन होता है, सेल्स का बंदा है हूँ मैं, और मैं ही ऑर्डर लेके आता हूँ तभी प्लेस होता है मार्केट में। मैं कंपनी को प्रॉफिट दे रहा हूँ, आज मेरे खाने के लाले पड़ रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 350 करोड़ का प्रॉफिट जो है गेन किया है कंपनी ने, उसके बावजूद फ्रेंचाइजी कन्वर्ट किया जा रहा है। यही चीज हमें समझ में नहीं आ रही, जब प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज ये कंपनी हमारी 10,000 करोड़ की, हम लोगों की सबकी मेहनत से बनी है। 10,000 करोड़ की कंपनी है हिंदुस्तान कोकोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 80% मार्केट शेयर है इंडिया में, और 20% हमारे बॉटलर हैं। और आज हमारे जो नॉर्थ जोन की कीमत लगाई है 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ का उन्होंने अप्रिशिएशन मिला है ना, बेचा है ना, अंग्रेजों ने लिया है ना उसका 3,000 रुपए, वो 3,000 करोड़ वो सब हमारी मेहनत से बना है। हमें क्या मिला है? ये बंदे देखो, ये देखो, ये एमजीआर है, 10 से 15,000 रुपए कमाता है महीने का। अब से नई कंपनी में पिछले 5-6 साल से लगा हुआ है ये कंपनी, नोएडा दिखता है टेरिटरी, इसके पास एक महीने का नोटिस है। कहाँ जाएगा सर ये? कहाँ सर्वाइव करेगा अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को? इससे पहले आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया हम लोग, हमने हम लोगों ने क्राउन प्लाजा में हमारी मीटिंग बात हुई थी जोनल प्रेसिडेंट से। हमने पूछा कि सर हमारा इसमें जो हमारा भविष्य, जो हमारा फ्यूचर है इसमें सिक्योर है क्या, आप बताइए। तो कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार है, क्या होना हमारा, कोई हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि हमारा क्या फ्यूचर है, क्या होना बता रहे। एक चीज बताइए, आप लोग आप सेल्स में हो गया? हाँ जी। कब से कर रहे हो आप लोग? मुझे तो 12 साल हो गए इस कंपनी में। जब मैं 3 एज से मैंने यहाँ पे शुरू किया था काम, तब शादी भी नहीं थी, आज मेरे 2 बच्चे हैं, अपना करियर यहीं से शुरू किया। इतने ऑफर्स आए कितनी कंपनियों से, लेकिन हम कहीं नहीं गए, इस कंपनी में ही रहे कि यहाँ रिस्पेक्ट है कंपनी की, लेडीज की रिस्पेक्ट है, हर चीज हमें सब चीज सही था। हम कहाँ जाएं ऐसे में, 2 बच्चे हो गए हमारे इसी सब चक्कर में कि भाई कंपनी सबसे अच्छी है, और अचानक से कहते हैं नहीं जी अब कुछ नहीं है, तो कैसा लगेगा हमें, हम कहाँ जाएं? तो कोई कुछ क्लियर स्थिति भी नहीं बता रहा कि आपकी नौकरी की क्या सियोरिटी है, कब तक आप रहोगे नौकरी में? कंफर्म सियोरिटी नहीं है, आप कुछ कंफर्म सियोरिटी तो दो कि हाँ जी ऐसा करेंगे, या कोई कंफर्म कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं दूसरी ढूंढ लो। क्या आप कब से कर रहे हो? आप सेल्स में हो? आप मुझे भी इतना ही टाइम हो रहा है, 10-11 साल ही हो चुके हैं टोटल चला है। और मैं अपनी पूरी फैमिली संभालती हूँ, मेरे फादर नहीं है, तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने स्कूल के बाद से यही स्टार्ट किया था। बट अब इन हिसाब से जो ये लोग बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन काफी किए, बट इन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं, कहते हमें भी कुछ पता नहीं है। अब क्या रास्ता आप लोगों के पास है? हम लोगों के लिए क्या रास्ता भाई? ये कंपनी भाई सिंपल सा बात है, जो हम लोगों का हिसाब दिया हुआ पूरा क्लियर करे कंपनी, सिंपल है। आप क्या चाहते हैं? हमें कुछ पता ही हम भी यही चाहते हैं कि कंपनी, अगर हमने इतना टाइम कंपनी में स्पेंड किया है तो कंपनी हमें उसका कुछ तो करे कि हाँ कुछ कंपनसेशन वो करे कि हाँ भाई हर चीज़ की श्योरिटी हो, या हमें उतना कुछ अमाउंट फिक्स करे कि ठीक है हम आगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ वो कर पाए। आप ये बताओ जो है, मतलब एक मिनट आप मुझे ये बताओ जो है कि अभी तक क्या जो है आप लोगों को किसी भी तरीके का हटाने का या जो है आपका
कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब आपको नोटिस या फिर आपको दिया गया है कुछ? जी कंपनी के ऐप पे हमारे पास आ गया है, सेल्स वालों को दिया गया, बाकी मैन्युफैक्चरिंग को भी दिया गया है। जी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं आंदे शायद, मैं सेल्स से हूं और सेल्स के लास्ट यूनिट से हूं। हम ही लोग मेहनत करते हैं मार्केट में तभी ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आइए इन लोगों ने हमें सड़क पे छोड़ दिया, बिल्कुल आज इन लोगों ने हमें सड़क पे छोड़ दिया, और कल रात में ही आया वो नोटिस भी हमारे पास। अभी हम मैं सहारनपुर से आया हूँ यहाँ पर सिर्फ केवल अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। मैं अपने प्लांट के कर्मचारियों के साथ हूँ, मैं आज इनको सपोर्ट करूंगा तभी मेरी नौकरी भी शायद बच पाएगी। नौकरी का कुछ पता तो है नहीं बचेगी नहीं कि नहीं बचेगी। जैसे अभी आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस दे दिया गया सर, दे दिया गया हमें क्लियरली। सेल्स मैन्युफैक्चरिंग सारी यूनिट्स को जो है फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, सारी इनको फ्रेंचाइजी में करने जा रहे हैं। देखो हम बताना चाह रहे हैं लाला लोगों को और यहाँ के मैनेजमेंट को, मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ वेदपाल नागर, और यहाँ आसपास के देहात के लोग काफ़ी संख्या में हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, ना लाला को घुसन दें ना टॉप मैनेजमेंट को घुसन दें, जो भी होएगा उस हद तक जाएंगे, मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, और पूरी एकता के साथ किसी को भी नहीं हाँ प्लांट को खरीदने देंगे। हम कोका कोला एम्प्लॉई हैं, कोका कोला से में ही रहेंगे और अन्य किसी में नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पे किसी भी हद तक हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगन शास्त्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगन शास्त्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाकई में हालात बेहद खराब हैं। सबसे बड़ी बात है, बात चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हो, सेल्स यूनिट की हो, हर कोई इस वक्त परेशान है, हर कोई अपने भविष्य को लेकर सशंकित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स यूनिट को अचानक नोटिस दे दिया गया, पहले 6 महीने का ड्यूरेशन दिया गया, फिर उसके बाद सीधे 30 दिन का दिया गया, और अब महज इस महीने में जितना समय बाकी है यानी कि 3 जनवरी के बाद से यहाँ पर जो सेल्स यूनिट है वो पूरी तरह डिसेबल्ड हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 6 महीने ट्रांसफर के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद वो प्राइवेट फ्रेंचाइजी इन्हें रखेगी नहीं रखेगी इसकी कोई सियोरिटी नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ कर्मचारियों की आंखों में आंसू हैं, गुस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वो एहसास हो रहा है कि मानो उनका सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जी आप क्या कह रहे जाते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मतलब हम लोग जो है पहले जो है जो बोतलर थे उसमें थे हम लोग 99 में, उससे पहले हम लोग बोतल में थे। जब कोका कोला आया उस समय तो हम लोगों को जो है वहाँ से कोका कोला ने लिया कि भाई हम लोग जो है इसमें जो है मतलब मर्ज किया जो है कोका कोला में जो है लाला के वहाँ से ख़त्म किया। लेटर दिया बाकायदा कि गाजियाबाद में ही आप लोगों की पोस्टिंग रहेगी, कोका कोला में रहेगी, और हम लोगों ने तब से सर्विस करते आए। यहाँ 2 लाइन का प्लांट था, आज 10 लाइन का प्लांट है, हर बार प्लांट प्रॉफिट में जाता है, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कंपनी करने जा रही है जो है, और मुनाफा भी ऐसा भी नहीं घाटा ही है, मुनाफा कमा रही कंपनी, उसके बावजूद भी कंपनी ऐसे करने जा रही है जो है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जितने भी लोग हैं हम इसी में SECBPL में ही नौकरी करेंगे, क्योंकि प्लांट में कोई ऐसी बात नहीं है, वो अपने सौदेबाजी के चक्कर में वो ये काम ऐसा कर रहे हैं जो मजदूरों का अनहित हो। आप लोगों ने पूरी जिंदगी का ताना बाना यहाँ पर बिन लिया, भविष्य की तमाम योजनाएं तैयार कर ली इसी के बुनियाद पर कि आज आपको जो मिल रहा है इसके आधार पर, आपने बहुत सारे लोगों ने लोन लिए होंगे, कर्ज लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, अब आपको क्या लगता है कि मतलब कहां पर आकर के खड़े हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं यहां पर लास्ट
24 सालों से वर्क कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी CSR के थ्रू बहुत मोटा पैसा खर्च करती है इंडिया के अंदर, और कंपनी में 1-1 लाख रुपए के कूलर दुकानों पे लगा देती है, सेलिब्रिटीज़ को परचेज करती है, मैचेस कराती है, विज्ञापनों में अनाप शनाप पैसा खर्च करती है। तो हमारा एक मैनेजमेंट से क्वेश्चन है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कि जिनकी मेहनत, वर्षों की मेहनत हमने यहाँ पर की है और उसके एवज में हमें 2 दिन का हमारे MGRs को 2 दिन का नोटिस दे दिया गया है, ये 30 दिन का नोटिस दे दिया गया है, हमको कुछ बोला जा रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है, हमारे कोई बात नहीं मानी जा रही है। तो ऐसा क्यों, ऐसा अन्याय क्यों, हमारे हाथों से कंपनी ने 1-1 लाख 2-2 लाख के कूलर बाजार में डलवाए हैं, हमारे यहाँ स्कीम्स हायर पेड स्कीम्स रिटेलर्स को दी जाती है, तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो हमारे साथ कंपनी ऐसा व्यवहार कर रही है। सवाल यही है कि आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आखिर हमें ये सजा मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है और हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल का जवाब देने के लिए ना तो मैनेजमेंट मौजूद है और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर ये कह रहा है कि आप परेशान मत होइए, आपकी नौकरी सुरक्षित है। और यही वजह है कि प्लांट बंद है, लोग गुस्से में हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, गाजियाबाद। बिल्कुल गंभीर हो चुकी है, सब लोग अपने घर परिवार छोड़कर दाल